गर्मियों के मौसम में खान पान में ज़रा सी लापरवाही सेहत पर भारी पड़ जाती है। इस मौसम में शरीर को ठंडा रखने के लिए सिर्फ एसी कूलर ही नहीं बल्कि अच्छी डाइट भी ज़रूरी है। आइए जानते हैं गर्मियों में खाई जाने वाली 10 सब्जियों के बारे में जो शरीर को ठंडा रखती हैं और गर्मी से लड़ने में मदद करती हैं। नंबर 1, लौकी। स्वादिष्ट लगने के साथ ही लौकी पोषक तत्वों का खजाना है। गर्मियों के मौसम में ज़्यादातर लोग लौकी की सब्जी बहुत शौक से खाते हैं। लौकी में कैल्शियम होता है जो हड्डियों के लिए अच्छा माना जाता है। पेट से जुड़ी दिक्कतों और हाई कोलेस्ट्रॉल और नियमित ब्लड शुगर के लिए लौकी का इस्तेमाल घरेलू नुस्खों की तरह किया जाता है। नंबर 2, हरी बीन्स। बीन्स को भी सलाद या सब्जी की तरह खाते हैं। बीन्स में कैलोरी बहुत कम होती है, इसके लिए इसे वजन घटाने में बहुत कारगर माना जाता है। गर्मियों में बीन्स शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये हल्के लेकिन फाइबर से भरपूर होते हैं और पाचन में सुधार लाते हैं। इसमें विटामिन के होता है जो हड्डियों के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन, आयरन, जिंक और एंटीऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्व होते हैं। नंबर 3, बैंगन। ज़्यादातर लोग बैंगन की सब्जी या भरता बनाकर खाते हैं। इसे और सब्जियों के साथ भी मिलाकर खाया जाता है। बैंगन फाइबर से भरपूर होता है जो पेट और आंत के लिए अच्छा है। इसके अलावा बैंगन में फ्लेवोनॉइड्स, विटामिन और पोटाशियम होता है जो पूरे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। नंबर 4, करेला। स्वाद में कड़वा भले ही हो लेकिन करेला शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ख़ास तौर से दिल और पेट के लिए करेले का जूस दवाई की तरह काम करता है। करेले में कैल्शियम, विटामिन सी, आयरन और पोटाशियम होता है जो पाचन तंत्र सही रखता है और ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। इससे गर्मियों के मौसम में शरीर ठंडा रहता है। नंबर 5, खीरा। गर्मियों के मौसम में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली चीज़ खीरा है। खीरा कई तरह के पोषक तत्वों से भरपूर है। कुछ लोग सलाद खाते हैं तो कुछ लोग इस सब्जियों में डालते हैं। खीरे में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसे गर्मियों में खाना अच्छा माना जाता है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के साथ ही इसमें विटामिन के और सी पाया जाता है। ये शरीर को हाइड्रेट रखता है। नंबर 6, हरी पत्तेदार सब्जियां। पालक, चलाई और पुदीना जैसी पत्तेदार सब्जियां गर्मियों के मौसम के लिए बेस्ट हैं। इन्हें सूप, दाल, परांठा, सलाद और इसके और भी कई तरीकों से डाइट में शामिल किया जा सकता है। ये आयरन और कैल्शियम से भरपूर होती हैं। इसमें फोलेट और पानी की मात्रा ज़्यादा होती है जो गर्मियों में पेट को हल्का रखते हैं। नंबर 7, शिमला मिर्च। हरी, लाल और पीली शिमला मिर्च पोषक तत्वों से भरपूर है। ये ना सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाती हैं बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं। शिमला मिर्च में फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो मेटाबॉलिज्म और पाचन में सुधार करते हैं। ये कई तरह के दर्द से भी राहत देता है। शिमला मिर्च में कई तरह के विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो गर्मियों की डाइट के लिए बेस्ट होते हैं। नंबर 8, कद्दू। कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी लगभग हर किसी को पसंद होती है। कद्दू विटामिन ए से भरपूर होता है जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। इसके अलावा कद्दू एंटीऑक्सीडेंट और बीटा कैरोटीन का अच्छा स्रोत है जो शरीर का तापमान ठंडा रखने के साथ ही दिल की बीमारियों से भी दूर रखता है। नंबर 9, टमाटर। भारत में लगभग हर सब्जी में टमाटर का इस्तेमाल किया जाता है। सलाद, जूस, करी हो या फिर सॉस, टमाटर किसी भी तरीके से खाया जा सकता है। इसका 95% हिस्सा पानी से बना होता है, इसलिए इसे खाने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती है। टमाटर में लाइकोपीन होता है जो कई तरह की बीमारियों से दूर रखता है। इसके अलावा इसमें पोटाशियम और कैल्शियम भी होता है। नंबर 10, गाजर। गाजर पूरे साल उपलब्ध है। इसे चक्का, फ्राई या सब्जी के तरह खा सकते हैं। गाजर का जूस शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। गाजर में विटामिन ए होता है जो आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें पाया जाने वाला फाइबर शरीर को अंदर से साफ रखता है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन के बटन पर ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और न्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।